अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा कवि इग्लू रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से है। बड़ी एक गुड न्यूज़ है, रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से काफ़ी सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। उसकी मेन वजूहात भी इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इस रिंग रोड का कितनी जो है लेंथ क्या है, कितने किलोमीटर के ऊपर ये बनने जा रही है, कब इसके टेंडर इशू होंगे और कब जो है इसके ऊपर काम स्टार्ट होगा और कितनी देर में मुकम्मल होगी, और इस रिंग रोड के बनने से कौन कौन से रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको फ़ायदा होगा, और ये सारी इंशाल्लाह मालूमात इस वीडियो में शेयर करेंगे। आप वीडियो एंड तक देखिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ले जी, रावलपिंडी रिंग रोड का जो है टेंडर मंजूर कर लिया गया है। टेंडर मंजूरी का मतलब ये है कि उसका जितना भी बजट था, उसका लेआउट प्लान, वो पंजाब की काबीना ने उसको मंजूरी दे दी है कि जी इतना पैसा या इतना खर्च उसके ऊपर आना है और फलां फलां चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर शामिल की गई हैं। वो क्या चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में आगे चलकर आपके साथ शेयर करूँगा, और कितनी देर में ये मुकम्मल होगी। सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मामला तय पा चुके हैं। ये स्क्रीन के ऊपर भी आपके जो है वो शो हो रहा है। इसका जो एरिया है, जो इसकी लेंथ है रावलपिंडी रिंग रोड की, वो 64 किलोमीटर की होगी, और 64 किलोमीटर की जो इसकी लेंथ है उसमें ये 6 लेन की जो है रावलपिंडी रिंग रोड बनाई जाएगी, जस्ट लाइक ए मोटरवे M2। अगर आप इस्लामाबाद और लाहौर की शहरी हैं, M2 की तरह की ये मोटरवे की तरह की जो है ये रावलपिंडी रिंग रोड बनाई जाएगी। इसके अंदर इंटरचेंजेस 10 आएंगे, 10 इंटरचेंजेस होंगे। स्टार्टिंग पॉइंट इसका GT रोड जो लाहौर की तरफ जा रही है, रवात के बिल्कुल पास एक रेडियो पाकिस्तान का एक नेटवर्क है, वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। टू बी एग्जैक्ट छन्नी पुल जो है, छन्नी ब्रिज जो है, वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। फिर ये ऑल द वे वहाँ से चल के जो अपना आती है जाएगी नए एयरपोर्ट से होती हुई दोबारा ये संजानी टूल प्लाजा के ऊपर इख्तिताम पज़ीर होगी। ये टोटल लेंथ जो है 64 किलोमीटर की बनती है। जब आप इसके ऊपर एंटर करेंगे रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर GT रोड वाले साइड से, तो ये उसके बाद जो है एक इंटरचेंज आएगा अड्याला रोड के ऊपर, उसके बाद फिर चक्री रोड के ऊपर, और चक्री रोड के बाद ये M2 मोटरवे के ऊपर जो है वो इसका इंटरचेंज आएगा, और इसी तरह जो है DI खान हकला जो मोटरवे है CPAC उसके ऊपर आएगा। फिर उसके बाद आप जो है ये संजानी टोल प्लाजा के ऊपर एक इंटरचेंज आएगा। इसी तरह काफ़ी सारे इंटरचेंजेस आएंगे। टोटल नंबर ऑफ इंटरचेंजेस की जो तादाद है वो 10 है। इसमें इंडस्ट्रियल जोन जो है वो 4,000 एकड़ के ऊपर बनाए जाएंगे, वो मुख्तलिफ पैचेस के अंदर होंगे, एक ही जगह पे 4,000 एकड़ का इकोनॉमिक जोन नहीं होगा। इसमें एक हेल्थ सिटी के नाम से या हेल्थ जोन के नाम से 300 एकड़ का रकबा रखा गया है, और सबसे खुशाइन बात यह है कि जो पाकिस्तान का कैपिटल है उसकी जो फ्रूट और वेजिटेबल्स की जो मार्केट है, जिसको आम जुबान में सब्जी मंडी कहा जाता है, वो इस्लामाबाद के I-10/11 इलाके से निकल के वो इस रिंग रोड के ऊपर आ जाएगी। उससे होगा ये कि आपकी जितनी भी हैवी ट्रैफिक है, जो मंडी में सामान आता है और उस सामान की जो तरसील शहर के अंदर होती है, वो सारी आउट ऑफ सिटी मूव कर जाएगी। उससे आपकी जितनी भी हैवी ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हो जाएगी, और इसके बाद इसमें एक क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया जा रहा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। और इस सारी डेवलपमेंट के बाद हैवी ट्रैफिक का जो दाखला है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर ममनू हो जाएगा। जिस हैवी ट्रैफिक ने लाहौर से आना है और पिशावर या काबुल तोरखम बॉर्डर से जाना है, या फिर किसी बंदे ने नॉर्दर्न एरियाज जाना है, या गिलगित की हैवी ट्रैफिक ने जाना है, और या इसी तरह वहाँ से आ रही है और उसने साउथ साइड पे, कराची वाली साइड पे जाना है, तो वो ये रिंग रोड इस्तेमाल करेंगे, शहर के अंदर दाखिल नहीं होंगे। उससे जितने भी ये लोग इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे को यूज़ करते हैं, और आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे भी जो है वो इस हैवी ट्रैफिक की वजह से 24 आवर्स ऑलमोस्ट जैम रहती है, उसके ऊपर भी लोड कम पड़ेगा। और ये शुरू जो है वो रावलपिंडी रिंग रोड
का जो टेंडर है वो मंजूर कर लिया गया है। इसको जो टेंडर पेश किया जाएगा, जो कंपनी टेंडर विन करेगी, टेंडरिंग का जो प्रोसेस होता है वो इंशाल्लाह मार्च के फर्स्ट वीक में मार्केट में आएगा, अखबार में इश्तिहार दिया जाएगा और फिर कंपनियां उसके लिए अप्लाई करेंगी, कंस्ट्रक्शन कंपनीज। और इसका जो मुकम्मल होने का टाइम है वो 2023 में, 2 साल इसका टाइम रखा गया है। 2 साल के पीरियड के अंदर ये रावलपिंडी रिंग रोड मुकम्मल कर ली जाएगी। और इसी के साथ आपको हम ये भी बताते चलें कि रावलपिंडी रिंग रोड के जो मुत्तसिल इलाके हैं जहाँ से ये गुजरेगी, वहाँ पे कौन कौन से हाउसिंग, मेजर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनको ये फ़ायदा होगा, वहाँ पे आपकी आना जाना आपका आसान हो जाएगा। उसमें सबसे पहले अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं, जीटी रोड से अगर आप रावलपिंडी रिंग रोड पे एंटर होंगे, तो उसमें सबसे पहले जो एरिया आएगा वो बहरिया टाउन फेज़ 8 और फेज़ 8 एक्सटेंशन का एरिया आएगा, जो रावलपिंडी रिंग रोड के करीब तर होगा। फिर उसी के बाद आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फिर आपको रूडन इनक्लेव नाम की एक सोसाइटी है, वो रूडन इनक्लेव के अंदर से सेंटर में से उस सोसाइटी को बाइसेक्ट करते हुए ये रिंग रोड आगे चली जाएगी। रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर जो दूसरा प्रोजेक्ट आपको मैंने रूडन के नाम से बताया है, ये अभी इन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए अप्रूव्ड नहीं है। ये भी आपको मैं बताता चलूँ क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है ताकि लोग इन्वेस्ट करने से पहले इस चीज़ को जहन में रखें। इसी तरह फिर थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी का एक लिंक रोड मिलेगा, जो ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ आपको लेके जाएगा। ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो इन्वेस्टर्स हजरात हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। लेकिन फिर वही बात आपको मैं ये बताता चलूँ कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का भी अभी तक RDA से NOC नहीं आया। फिर ये जब चक्री रोड के मुकाम के ऊपर ये इसका जो इंटरचेंज बनेगा, वहाँ से कैपिटल स्मार्ट सिटी जो रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर वाहिद एक अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है वो लाया करता है, और उसको एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा क्योंकि वो एक तो अप्रूव्ड भी है, डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से जारी है, और जो लोग इस साइड से जीटी रोड वाली साइड से ट्रैवल करेंगे और रावलपिंडी रिंग रोड को इस्तेमाल करते हुए कैपिटल स्मार्ट सिटी जाना चाहेंगे, उनके लिए बड़ी ही एक आसानी हो जाएगी। वो बड़ा इजीली कम्यूट कर सकेंगे बिटवीन इंटरनल पार्ट्स ऑफ द सिटी, रावलपिंडी इस्लामाबाद आना है और वहाँ पे भी जा सकेंगे इस रिंग रोड को इस्तेमाल करते हुए। और अगर उन्होंने इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे, कश्मीर हाईवे, श्रीनगर हाईवे से इस्लामाबाद के सेक्टर्स की तरफ जाना है तो वो मोटरवे से भी ट्रैवल कर सकेंगे। तो ये कैपिटल स्मार्ट सिटी एक वाहिद सोसाइटी है जिसको डबल बेनिफिट होगा, एक मोटरवे का जब इंटरचेंज बन जाएगा तो वो मोटरवे से भी अगर जाना चाहेंगे, इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो वो भी उनके लिए अवेलेबल होगी फैसिलिटी। और इसी तरह रावलपिंडी रिंग रोड की फैसिलिटी भी उनके लिए, अगर उन्होंने बहरिया टाउन आना है या उन्होंने डिफेंस वाले एरियाज़ में आना है या उन्होंने PWD स्वां गार्डन इस साइड पे आना है, तो वो भी उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। उसके बाद फिर जाके ये खैरी मुराद रेंजेस के ऊपर के मुकाम के ऊपर जो M2 गुजर रही है उसको ये बाइसेक्ट करेगी, उसके ऊपर से होती हुई ये नए एयरपोर्ट की तरफ चली जाएगी रिंग रोड, और वहाँ पे भी एक इंटरचेंज मंजूर हुआ हुआ है, वहाँ पे ये इंटरचेंज बनेगा। तो ये ओवरऑल रावलपिंडी रिंग रोड के बेनिफिट्स आने वाले टाइम में इंशाल्लाह आपको मैंने बताए हैं, और इससे कहीं ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे क्योंकि ये 20 साल पुराना मंसूबा है, लिंगर ऑन होता आया है, इस गवर्नमेंट ने इसको टेकअप किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब एग्जीक्यूशन के जो मराहल में ये दाखिल हो जाएगा। और इसमें तमाम जितनी भी रुकावटें थी, मिसाल के तौर के ऊपर जो लैंड की प्रोक्योरमेंट थी, जो लोगों को पेमेंट्स करनी थी और वहाँ जो एहतजाज थोड़े बहुत चल रहे थे वो सेटल डाउन हो चुके हैं और उनको पेमेंट्स की जा चुकी हैं, अवार्ड फंक्शंस हो चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ टेंडर मंजूर कर लिया गया और टेंडर अवार्ड होना है, बाकी है। और फिर इंशाल्लाह अप्रैल के महीने में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान और चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब मिस्टर उस्मान मुजदार साहब दोनों इसका संगे बुनियाद रखेंगे। अप्रैल में ही इस रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर काम मुकम्मल जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये बड़ी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है इंशाल्लाह। इससे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, DHAs हो गए, बहरिया के फेजेस हो गए और
ये PWD समार गार्डन और जितने भी इस साइड पे एरिया में प्रोजेक्ट्स हैं उनको मोटरवे तक रसाई और इन प्रोजेक्ट्स तक रसाई बड़ी आसानी से हो जाएगी, और इसी तरह वाइस वर्सा उन लोगों को जिन लोगों ने ब्लू वर्ल्ड में, कैपिटल स्मार्ट सिटी में, रूडन में इन्वेस्ट कर रखा है और फेज़ एट एक्सटेंशन उन्होंने अपने प्लॉट्स बाय किए हुए हैं, तो उनके लिए भी बड़ी आसानी हो जाएगी। वो इंटरनल जो रोड्स हैं सिटी की, उससे उस रश से अवॉइड करते हुए वो कहीं पे भी जाना चाहेंगे तो उनके लिए बड़ा एक आसानी इससे जो है वो पहुंच सकेंगे। तो ये ओवरऑल रावलपिंडी रिंग रोड की मैंने आपको डेवलपमेंट सारी बता दी है कि कब स्टार्ट होगी, कहाँ कहाँ टोल प्लाजे आएंगे, कहाँ कहाँ इनके इंटरचेंजेस बनेंगे और कितने लेन की होगी। ये बेसिकली 6 लेन्स की मोटरवे टाइप की एक कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे होगी, रिंग रोड होगी। कंट्रोल्ड एक्सेस का मतलब ये है कि उसमें कोई भी कहीं से भी एंटर एग्जिट नहीं हो सकेगा, डेजिग्नेटेड इंटरचेंजेस से ही एंट्री और एग्जिट पॉसिबल होगा। सेम रूल्स होंगे जिस तरह मोटरसाइकिल और जो बाकी टू व्हीलर जो सवारियां हैं जिसमें आपके कोई रिक्शॉज आ जाते हैं या आपकी कार्ट्स आ जाती हैं वो इस पे नहीं आ सकेंगी। आपके लिए बड़ा एक हैसल फ्री जर्नी होगा रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से। तो ये बड़ी खुशाइन बात है, मैंने सोचा कि आपको मैं इसकी तमाम तर तफसीलात इग्लू रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के हवाले से बता दूं। आप इन 4 सोसाइटीज़ में कहीं पे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आपको कोई मालूमात दरकार है, आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, आपको कोई मुश्किलात पेश आ रही हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो जो है वो रिक्वायर्ड है। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस टॉपिक के ऊपर भी एक तफसीली रिसर्च के बाद आपके लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हों। हमज़ा कवि को इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।